पालव्या भी है, उनसे भी बात करते हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस वक्त? थोड़ा बहुत तो रेंज बाउंड मूवमेंट आज सुबह से एंटिसिपेटेड था, अब क्लोजिंग के वक्त किस तरह की मूव होनी चाहिए? क्या एक आध दिन और रह सकते हैं साइडवेज मूव, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना बेटर होगा? और बैंक निफ्टी पर भी क्या व्यू होगा? गुड आफ्टरनून प्रियंका। मार्केट में बाय ऑन डिप्स का तो क्लियर ट्रेंड बना हुआ है, और हमें कोई भी वोलेटिलिटी में डिप्स मिल रही है उसे बाय ही करना है। लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में हमें लगता है जब तक हम 18,150 18,200 के ऊपर ट्रेड करेंगे, जब तक नियर टर्म ट्रेंड भी काफ़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाय ही करना है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि हम नए ऑल टाइम हाई पे आज क्रॉस करेंगे या अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस करेंगे, लेकिन जिस तरीके के सेटअप बने हुए, डेटा बने हुए, बिल्कुल हम नए हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। निफ्टी में भी बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रही है और नए ऑल टाइम हाई रोज रजिस्टर करते हुए दिख रही है, तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है। 18,150 18,200 ये स्टॉप लॉस के लेवल है, और टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में आना चाहिए वो करीब 18,550 18,600 तक की अपसाइड यहाँ पे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही आते हुए दिखेगी। बिल्कुल सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो अभी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होते ऑल टाइम हाई के, जब तक हमें लगता है कि वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है मार्केट में, और ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में नए हाई की तरफ मार्केट अब रेडी होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब तक हम 41,800 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे, ट्रेड सेटअप पॉजिटिव ही है नियर टर्म के हिसाब से भी, और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए 42,700 से 43,000 तक के अपसाइड बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकती है, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेड रखना चाहिए, और दोनों इंडेक्स पे हमारा व्यू बुलिश है अभी। हमें लगता है जो स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए उसमें हमारा जो पहला स्टॉक रहेगा आज के लिए वो रहेगा अशोक लीलैंड ऑटोमोबाइल स्पेस से। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है, जिस तरीके से अशोक लीलैंड के सेटअप है ओवरऑल स्टॉक में जो ब्रेकआउट बने हुए वो तो इंटेक्ट थे, लेकिन नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन और अब उसका ब्रेक यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप है अशोक लीलैंड के, ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। 164 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 148 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल स्पेस से, और मेटल स्पेस में हम यहाँ पे हिंडालको के साथ जाना चाहेंगे, और मेटल स्पेस में जो मोमेंटम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, हिंडालको एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है, स्टॉक 200-day मूविंग एवरेज को भी आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ हिंडालको ने यहाँ पे आज दिखाई है हमें लग रहा है 470 तक की अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आते हुए दिख सकती है, 448 स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक होगा पेपर सेगमेंट से, और उसमें वेस्ट कोस्ट पेपर हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, स्टॉक में ओवरऑल एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, आज की प्राइस एक्शन ये दिखाती है कि स्टॉक वापस अपने एक अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा, 640 तक की अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है, 595 का स्टॉप लॉस होगा। अशोक लेलैंड तो इनफैक्ट अजय हमने डिस्कस आज सुबह भी किया था, और मैं बहुत सरप्राइज था वंशी कि अशोक लेलैंड के नंबर्स के बाद स्टॉक रिएक्ट नहीं किया, और मैं आपको बता दूं इस बार और मेरे हिसाब से इस साइकिल का हाईलाइट ये है कि आपको सब्जेक्ट समझ के रिजल्ट देख के कमेंट्री देख के ट्रेड करना है, या इससे पहले कि आप पहले पोजीशन में, जो बाजार में जिस तरह ट्रेडिंग होती है यूजुअली कि रिजल्ट सुना है इसका ऐसा आ रहा है ऐसा आ रहा है, पोजीशन आप ले ही नहीं सकते, आप नंबर देखिए, एनालाइज करिए, वैल्यूएशन देखिए, चार्ट देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री सुनिए, सौदा ले लीजिए। आपको पूरा मौका मिला था अशोक लेलैंड ने रिजल्ट के बाद परफॉर्म नहीं कर रहा था, और तब एक चांस था एंटर करने का। आज सुबह कमेंट्री देखिए, हमने बताया था आज सुबह भी कि ये स्टॉक नेक्स्ट साल के लिए रेडी हो रहा है, और खुलने के बाद भी लिया होता तो भी आपके 5 रुपए तय थे। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही स्टॉक में 148 के लेवल्स लो दिखाए, उसके बाद अब ये स्टॉक चढ़ता हुआ और 4% की तेजी इस वक्त भी इंटैक्ट है, लेकिन इस